आज मैं आपको एल्गल इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के विषय में कुछ बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गल और एल्गी? एल्जी, एल्जी आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। दे रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर एंड समटाइम्स दे आर वेरी लार्ज। एल्गी जिसे हम शैवाल कहते हैं, ये इनका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत रेंजेस में होता है। वे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस, ब्रांच्ड और बहुत तरह के एल्गी पाए जाते हैं। और आज हम ये एल्गी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और बायोटेक्नोलॉजिकली इनके इम्पोर्टेंस क्या है, इस पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्लांट्स को। प्लांट्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेनेरोगैम्स एंड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स। द फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स एंड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज क्रिप्टोगैम्स are divided into thallophyta, bryophyta and pteridophyta. In the thallophyta, we have two groups, algae and fungi. जैसा हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी पे जीवन आया तो जीवन 3.5 billion years ago, जब पृथ्वी पे first of all इसी लाइफ का उद्भव हुआ, उस समय हमारे पृथ्वी डी ऑक्सीजनेटेड थी, इस पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी और इस हमारी पृथ्वी पे लाइफ को आने के लिए ऑक्सीजन का रहना जरूरी था। और ऐसा माना जाता है कि एल्गी और वो भी मोर प्रिसाइजली साइनोबैक्टीरिया, इनका उद्भव सर्वप्रथम पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर हुआ। हालांकि दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनमें एक स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि पहले बैक्टीरिया का उद्भव हुआ, लेकिन दूसरा स्कूल ऑफ थॉट्स कहता है कि एल्गी और साइनोबैक्टीरिया का उद्भव पहले हुआ। और ये साइनोबैक्टीरिया, इन्होंने ऑक्सीजनेट, दे हैव ऑक्सीजनेटेड द अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड आफ्टरवर्ड्स लाइफ केम टू दिस अर्थ एंड एस्टेब्लिश देमसेल्फ। नाउ द थैलोफाइटा, द कैरेक्टर्स ऑफ थैलोफाइटा आर मेजोरिटी ऑफ देम आर एक्वेरिक, दे लिव इन वाटर और ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। द प्लांट बॉडी ऑफ द थैलोफाइटा इज अनडिफ्रेंशिएटेड in some root, flower and fruits, just like the higher plants. In the higher plants, we do have flower, fruit, root and shoot system, but in algae, we don't have all these. That's why their structure is called as thallus, and they have been kept into the thallophyta. And as we know, that in the higher plants, we have well-developed vascular system, the xylem and phloem, which conducts water and the minerals, the photosynthesized food from upward to the downward, and water and minerals from downward to upward in the higher plants. But in the case of the members of the thallophyta, we don't have any vascular system. The asexual reproduction is prominent in the members of the thallophyta, and that too by spores. The sex organs are simple, usually unicellular and sometimes multicellular, but are surrounded by a sterile jacket layer. They don't have multicellular embryo, just opposite to the higher plants.
एंड द मेंबर्स ऑफ द थैलोफाइटा आर एल्गी एंड फंजाई. नाउ द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिजम्स. इन ब्लू ग्रीन एल्गी वी डू फाइंड प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर. नील हरित शैवाल में हमें प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जबकि बाकी अन्य शैवालों में हमें यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर मिलता है. दे हैव ए वेरी सिंपल थैलस ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल से यहां हमारा तात्पर्य यह है कि हमें उनमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी नजर नहीं आती. उनके सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इतने कम हैं और बिल्कुल क्लियर हैं, जिनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. सो दे आर वेरी सिंपल, दे हैव ए वेरी सिंपल थैलस ऑर्गेनाइजेशन. दे शो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक द हायर प्लांट. इन हायर प्लांट्स, दे हायर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड इवॉल्व ऑक्सीजन जस्ट लाइक एल्गी. ऑल्सो दे इवॉल्व ऑक्सीजन आफ्टर द फोटोसिंथेसिस. दे आर मॉर्फोलॉजी, द एल्गी आर मॉर्फोलॉजिकली वेरी डाइवर्स. दे रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर टू फिलामेंटस एंड देन टू ब्रांच, एंड समटाइम्स दे आर वेरी लार्ज. इन द मैराइन एल्गी वी इन द ओशंस वी फाइंड वेरी लार्ज साइज ऑफ एल्गी प्रेजेंट इन द ओपन सी. द डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, द एल्गी शो द स्पेशलाइजेशन, द डिफरेंशिएशन, एंड दे शो वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स लाइक हेट्रोसिस्ट, लाइक एकाइनीट्स एटसेट्रा, हॉर्मोगोन्स एटसेट्रा. दे आर ऑलमोस्ट यूबिक्यूटस, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. दे हैव इफेक्टिव प्रोटेक्टिव मैकेनिजम्स. एज अर्लियर आई हैव टोल्ड दैट दे आर द फर्स्ट कॉलोनाइजर हु केम टू द अर्थ. इट शोज देयर अडेप्टेबिलिटी. They have a tremendous adaptability. They can survive in the crevasses of the Antarctic ice. They live in the bottom of the oceans, and they can survive in the hot springs also. This show their tremendous adaptability. Unke andar bahut kshamta hoti hai ki ve apne aap ko उन हॉस्टाइल एनवायरमेंट्स में खुद को अडॉप्ट कर सकें. एसिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक ग्रोथ इज फाउंड इन द केस ऑफ एल्गी. सिम्बायोटिक मींस वो किसी के साथ रह के, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह के बड़े अच्छे से उसके साथ सहजीवी रूप में रह लेते हैं, जिसमें दोनों ही एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं और वे अकेले भी रह लेते हैं. ए सिम्बायोटिकली भी ग्रो कर लेते हैं, जिनमें वो अकेले खुद ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं और अपनी वंश की वृद्धि करते हैं. रिमार्केबल बायोकेमिकल डाइवर्सिटी. द बायोकेमिकली अगेन दे आर वेरी डाइवर्स. दे आर मेटाबॉलिकली वर्सेटाइल एंड दे हैव ह्यूज एप्लीकेशंस. आई विल बी शोइंग यू various applications, their various applications. They are used in so many kinds. I will be showing. Now the algae are accountable for the net primary production of huge tons of organic carbon per year, which is about 50% of the total organic carbon produced on earth each year. They constitute a group of more than 40,000 species, a heterogeneous group that describes a life form. Now the definition of algae: aquatic organisms that are photosynthetic, oxygenic autotrophs that are typically smaller and less structurally complex than land plants. They are very simple in organization, in structure. They are found mostly in aquatic habitats, और जिन्हें हम शैवाल कहते हैं, ये बहते हुए पानी में, हमारे गंगा जी के पानी में, जल में, उसके बाद समुद्र के पानी में
गंदे पानी में भी और किसी भी पत्थरों पे या जहां मॉइस्चर मौजूद हो, मिट्टी में, सैंड्स पे, सब पे ग्रो कर लेते हैं। और यही इनकी खासियत है, ये वर्सेटाइल है, ये इनके अंदर एक ह्यूज अडेप्टेबिलिटी है। देर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो। नाउ देर आर माइक्रो एल्गी, मैक्रो एल्गी एंड मिनी एल्गी। माइक्रो एल्गी आर टू स्मॉल टू सी विद नेकेड आई एंड बेस्ट ग्रोन इन स्लरी सिस्टम। स्लरी सिस्टम हम कहते हैं जहां पे एक तरफ से फ्लो हम न्यूट्रिएंट का फ्लो देते हैं और दूसरी तरफ से वो न्यूट्रिएंट फ्लो करके निकल जाता है, उसे हम स्लरी सिस्टम कहते हैं। और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट रहता है इसमें न्यूट्रिएंट का और वाटर कल्चर मीडिया का। सम ऑर्गेनिजम्स इन सम ग्रो इन ओपन सिस्टम मस्ट बी एनक्लोज्ड फॉर प्योर कल्चर। यदि हमें प्योर कल्चर चाहिए तो हमें उन्हें एक बंद सिस्टम में, बंद चैम्बर्स में ग्रो कराना होगा और उन्हें प्योर तरीके से कल्चर करना होगा। यदि हमें उन्हें एक्सप्लॉयट करना है, यदि हमें उन्हें फर्दर यूज करना है, उनकी टेबलेट्स बनानी है, उन्हें एज ए बायो फर्टिलाइजर्स यूज करना है, उन्हें हमें एक क्लोज सिस्टम में ग्रो कराना होगा। लाइक मिनी एल्गी, दे आर स्मॉल सी प्लांट्स, दे आर टीडियस टू द रोप्स, ग्रोन इन स्लरी सिस्टम और सीडेड ऑन सबस्ट्रेट। दे कैन ग्रो इन ओपन पॉन्ड्स एंड क्लोज्ड फॉर प्योर कल्चर्स। और मैक्रो एल्गी, दे आर कॉमनली कॉल्ड सी वीड्स, दे आर प्रॉपरली कॉल्ड सी प्लांट्स ऑल्सो, बिग एनफ टू टाई ऑन रोप्स। मेनी कैन बी चॉप्ड डाउन टू मिनी एल्गी। तो ये माइक्रो एल्गी जो हमारे होते हैं, मोस्टली ये समुद्र में पाए जाते हैं और इन्हें हम सीवीड्स या सी प्लांट्स भी कहते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि इन्हें रस्सियों के ऊपर बांध दिया जाता है, समुद्र के किनारे इनको ग्रो कराया जाता है। और जो हमारे जो ग्रोअर्स हैं, जो एल्जी ग्रोअर्स हैं, ये समुद्र के किनारे रोप्स लगाकर उन पे बांध के उनको और इनको ग्रो कराते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। बाद में इन्हें यूज किया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। जो थ्री फीचर्स विच डिस्टिंग्विश द एल्जी फ्रॉम द लैंड प्लांट्स, पहला है बॉडी प्लान। देयर इज नो स्पेशलाइजेशन ऑफ द एल्गल बॉडी इंटू रूट, स्टेम, लीव्स विद वेस्कुलर टिश्यूज। The photosynthetic portion of the algae is the thallus, while the attachment portion comprises hair-like rhizoids. For this reason, classification systems put the algae into a group known as the thallophyta. As I have told that, since the इनका जो शरीर होता है, जो body plant होती है, वो root, flower, fruit, stem इनमें डिवाइडेड नहीं होती, और यही वजह है कि इन्हें थैलोफाइटा के ग्रुप में रखा गया है। नो एम्ब्रियो, द मोस्ट एल्जी, इन द मोस्ट एल्जी स्पर्म्स एंड एग्स फ्यूज इन द ओपन वाटर एंड द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट विदाउट एनी प्रोटेक्शन। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ सिंगल सेल, देयर इज नो जैकेट और स्टराइल सेल्स प्रोटेक्टिंग द गेमीट्स। नौ, इनकी मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में हम कुछ जानते हैं। जो हमारा सबसे पहले जो एल्गी आता है उसे हम यूनिसेलुलर एल्गी कह रहे हैं। दीज एल्गी आर सिंगल सेल्स विद और विदाउट फ्लैजेला। अभी जो हमें पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, ये क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, और दे आर मोटाइल यूनिसेल्स। Motile unicells, they have the flagella, one cup-shaped chloroplast, two flagella, one contractile vacuole, one pyrenoid, and they are motile, they are unicellular, and they are the simplest algae. Now the colonies, as we see, we live in the colonies, and the colonies comprises single cells, which typically exist as clumps.
द की पॉइंट अबाउट कॉलोनीज इज दैट देर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एंड ईच सेल कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन. और ये जो कॉलोनी हमारी होती है ये एक सेल एक पूरी गोल स्फेरिकल कॉलोनी का रूप ले लेती है द सिनो और उसे हम सिनोबिया कहते हैं. द सिनोबियम प्लूरल सिनोबिया इज ए कॉलोनी विद ए फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स. सिनोबिया में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल जस्ट लाइक वॉलवॉक्स. वॉलवॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोटाइल सिनोबियम. इट कंप्राइजेज अ सेट सेट नंबर ऑफ क्लेमाइडोमोनास लाइक सेल एम्बेडेड इन ए हॉलो स्फेरिकल जिलेटिनस मैट्रिक्स. अब हम चलते हैं साइफनस एल्गी के बारे में जानने के लिए. द एल्गी विद दिस बॉडी बॉडी प्लान आर एक्चुअली जायंट यूनिसेल्स. ये एल्गी भी यूनिसेलर ही होते हैं लेकिन इनमें साइफन की तरह से स्ट्रक्चर होता है. जैसे हमारे वॉश बेसिन के नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसे हम साइफन कहते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक साइफन के रूप में ही होता है. दीज एल्गी आर सिनोसिटिक विच मीन्स दे अंडरगो रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट द एकम्पेनिंग फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल्स. दीज हैव ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद द मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म लाइनिंग द थैलस. द ग्रीक वर्ड फॉर ट्यूब इज साइफन. और ये इनका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसी वजह से इन्हें साइफनस एल्गी के ग्रुप में कैटेगरी में रखा गया है. अब हम फिलामेंटस एल्गी के ऊपर आते हैं. ए सिंगल सेल ऑफ स्पायरोगाइरा. स्पायरोगाइरा ऑसिलेटोरिया नॉस्टॉक एंड एनाबिना दीज आर द फिलामेंटस एल्गी. और अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक सिंगल सेल ऑफ स्पायरोगाइरा का दिखाई दे रहा है. इसमें जो क्लोरोप्लास्ट हमें विजिबल हो रहे हैं ये स्पाइरल शेप में है. सर्पिले शेप में ये इनके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इसलिए इनका नाम भी स्पायरोगाइरा पड़ा. देयर आर ऑल्सो एल्गी विद ब्रांच्ड फिलामेंट्स वेयर देयर आर बेसल प्रोस्टेट फिलामेंट्स फॉर अटैचमेंट एंड इरेक्ट ब्रांचेस फॉर फोटोसिंथेसिस. दिस इज सेड टू बी हेटरोट्राइकस फिलामेंट. हम पेरेनकाइमेटस एंड सूडो पेरेनकाइमेटस एल्गी के ऊपर आते हैं. अल्वा इज ए मेम्ब्रेनस शीट विद ए होल्ड फास्ट फॉर अटैचमेंट. और ये अल्वा हमें समुद्री रीजन्स में पाए जाते हैं. ये समुद्र में मिलते हैं. ये डिबल एल्गी होते हैं अल्वा और इनकी साइज बड़ी होती है. इन्हें हमें माइक्रो ये हमें नेकेड आइज के थ्रू दिखाई देते हैं. अल्वा इज ए मेम्ब्रेनस शीट विद ए होल्ड फास्ट फॉर अटैचमेंट. इट ग्रोज इन शैलो सी वाटर ऑफन वेयर देयर इज ए न्यूट्रिएंट रिच रन ऑफ फ्रॉम द लैंड. नेक्स्ट सर्गेसन इज ए ब्राउन एल्गिया विद ए कॉम्प्लेक्स सूडो पेरेनकाइमेटस स्ट्रक्चर. द सर्गेसो सी गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द एक्सटेंसिव मैट्स ऑफ दिस एल्गी फाउंड फ्लोटिंग देयर. जो सर्गेसो सी है वो इस एल्गी के प्रेजेंस की वजह से उसका नाम पड़ा. द वेरियस हैबिटेट्स ऑफ एल्गी. यूनिसेलुलर से लेके फिलामेंटस होते हुए ब्रांच्ड और सिनोसिटिक और ये ब्रांच्ड हेट्रोसिस्टस नॉन हेट्रोफिलामेंटस हेट्रोसिस्टस फिलामेंटस एंड नॉन हेट्रोसिस्टस फिलामेंट्स एंड ऑल. दीज आर द यूनिसेलुलर एल्गी like for example spirulina and pinnularia. Colonial algae like pandorina, eudorina, wallvox and hydrodictyon. Hydrodictyon has a single cell structure forming hexagonal mat like structure. They are also called as mat algae. These are colonial algae. They always live in the colonies. The filamentous algae, they form various filaments. All the cells are linked together, forming a filament. Filamentous algae, Anabina and Nostoc. इन दो एल्गी के बारे में आपको बता दिया जाए. ये दोनों एल्गी filamentous हैं. They are heterocysts. और heterocysts जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, heterocysts are the specialized organs
स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, देयर बाई फीडिंग द फिलामेंट इट सेल्फ एज वेल एज गिविंग द फिक्स्ड नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर द एल्गी लिव इन. ये हमारे पैडी फील्ड्स में, हमारे धान के खेतों में जो बाहर से हम न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं उनकी रिक्तता को की पूर्ति करते हैं. और अगर हम इन पैडी फील्ड्स में अपने इन शैवालों को, जिन्हें हम हेटोसिस्टस एल्गी कह रहे हैं, उन्हें अगर हम लगा दें तो वे उस रिक्तता की पूर्ति करेंगे और करते हैं. और हमारे पैडी फील्ड्स और धान के खेतों में उनकी उपज को बढ़ाते हैं. दीज आर द ब्रांच फिलामेंटस एल्गी लाइक साइटोनीमा, क्लेडोफोरा, फिशियला, ड्रेपनल डिओप्सिस, कोलियोचीट एंड एक्टोकार्पस. दीज आर अगेन द साइफनस एल्गी, द वाउचेरिया एंड बॉटिडियम. जैसा मैंने आपको साइफनस एल्गी के बारे में बताया कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनके होते हैं और साइफन जैसा स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है. पैरेन्काइमेटस एल्गी लाइक अल्वा एंड सर्गेसम, दोनों ही मैराइन एल्गी हैं. नाउ द सूडो पैरेन्काइमेटस एल्गी, बैट्रेकोस्पर्मम एंड पॉलीसाइफोनिया, दीज आर द एडवांस्ड एल्गी. नाउ द मेंबर्स ऑफ, अब आपको ये इस समय पे जानना आवश्यक है कि एल्गी को हमने अलग अलग ग्रुप्स में बांटा, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, येलो एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी एटसेट्रा, जिनमें उनके अंदर उपस्थित पिगमेंट्स के आधार पे इन्हें अलग अलग नामों में बांटा गया है. और पिगमेंट्स के आधार पर ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि उनमें ब्लूइश ग्रीन कलर के पिगमेंट की अधिक मात्रा में पाई जाती है, और उन्हें सियानोफाइट कहते हैं. उन्हें बाद में सियानोबैक्टीरिया का भी नाम दिया गया, क्योंकि इनके जो सेल का स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया की तरह प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है. इसी वजह से इन्हें सैनो, और बैक्टीरिया भी है शब्द, इसलिए सियानोबैक्टीरिया का नाम दिया गया इन्हें, सियानोफाइट्स को. ये सियानोफाइट्स के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं. नाउ द रिप्रोडक्टिव डायवर्सिटी विद इन द एल्जी. एल्जी में मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज्यादातर पाया जाता है, और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं ये और अपने वंश को बढ़ाते हैं, लाइक बाइनरी फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन, हॉर्मोगोनियम एंड एकाइनीड्स. बाइनरी फ्यूजन एंड फ्रेगमेंटेशन में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारे सेल्स एक से दो सेल, दो से तीन सेल में बढ़ते हैं और फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, और टूटने के बाद एक नए प्लांट्स को जन्म देते हैं. हॉर्मोगोनियम का फॉर्मेशन होता है जब एनवायरमेंट मुश्किलात आती हैं एनवायरमेंट्स में, और अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी का मौसम आ जाता है, तो ये हॉर्मोगोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, या कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट मीडियम की कमी हो जाती है तो ये हॉर्मोगोन्स को फॉर्म करते हैं. ये हार्मोगोन्स टुवर्ड्स लाइट की ओर भागते हैं और बाद में ये नए प्लांट्स को जन्म देते हैं. एकाइनीड्स, इनके अंदर शैवालों के अंदर एक बहुत ही अच्छी परंपरा होती है कि ये अपने कठिन परिस्थितियों में अपने सेल्स के बीच में से किसी एक सेल को चुनकर उसे एकाइनीड्स का रूप दे देते हैं. वो सेल इनसे साइज में बड़ा हो जाता है, मल्टी लेयर्ड हो जाता है, और उस सेल्स में न्यूट्रिएंट को भर देते हैं और खुद को अपना कनेक्शन उससे काट लेते हैं बाद में. और ये एक इंडिविजुअल सेल विदस्टैंड करता है अनफेवरेबल कंडीशंस को, और बाद में ये एक नए प्लांट को जन्म देता है. नाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्जी, दे रिप्रोड्यूस थ्रू जूओस्पोर्स, पाल्मेला स्टेज, एप्लानोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, एकाइनीड्स, ऑटोस्पोर्स, सिस्ट and endospores. These are the various types of spores which are found in the algae, and they are responsible for the asexual reproduction. And hamare algae jo hain, ye shaiwal jo hain, wo
स्पोर्स के सहायता से अपने वंश की वृद्धि करते हैं। जैसा कि हमने आपको वॉलवॉक्स में अभी बताया कि वॉलवॉक्स में सिंडोबिया एक कॉलोनियल एल्गी है और एक कॉलोनी फॉर्म करता है, और उस कॉलोनी में बीच बीच में अलग तरह के सेल्स का फॉर्मेशन करता है जिन्हें हम डॉटर सेल्स कहते हैं। बाद में ये डॉटर सेल्स दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर सेल एंड दे गिव राइज टू ए न्यू फ्रेश प्लांट द स्पोरुलेशन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एलजी इज बाय ऑटोगमी, होलोगमी, आइसोगैमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड उओगैमी। ऑटोगैमी इज द प्रोसेस व्हेन टू गेमीट्स ऑफ द सेम मदर सेल फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड न्यूक्लियस। द प्लांट डेवलपमेंट डू नॉट शो न्यू कैरेक्टर्स, क्योंकि दोनों ही गेमीट्स सेम मदर सेल से आ रहे हैं, इसलिए जो डॉटर सेल बनेगा जो उसमें कोई भी नया कैरेक्टर नहीं होगा, अपने मदर के कैरेक्टर सारे कैरेक्टर्स ही मौजूद होंगे। इनका एग्जांपल है डायटम्स। द होलोगेमी वेजिटेटिव सेल्स ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन्स प्लस एंड माइनस बिहेव एज गेमीट्स एंड फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। इट इज मोर एडवांस्ड, ये ज्यादा एडवांस है। इसका एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास। आइसोगैमी जिसमें दोनों ही गेमीट्स जो हैं बिल्कुल ही आइडेंटिकल होंगे, आइसो मीन्स सिमिलर, सो दोनों ही गेमीट्स आपस में आइडेंटिकल होंगे मॉर्फोलॉजिकली। फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स द फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमी, दो द गेमीट्स इन सम केसेस आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी बट शो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स। नाउ द एनाइसोगैमी दे आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गेमीट्स। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनियाई एंड पेंडोराइना। एंड द मोस्ट एडवांस्ड टाइप इज उओगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द नॉन मोटाइल एग और ओम फ्यूज विद ए स्मॉल मोटाइल स्पर्म और एंथ्रोजॉइड। नाउ द आइसोगैमी एंड आइसोगैमी एंड हेटरोगैमी। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ आइसोगैमी इन स्पाइरोगाइरा एंड आइसोगैमी इन Derbacia species, heterogamy in Udogonium species. Now the life cycle of an algae. Alva has a membranous thallus and attached to rocks by a holdfast. The sporophyte produces motile haploid spores which settles and grow into the next generation, the gametophyte. This produces anisogametes which fuse to form a zygote which grows into a sporophytic generation. ये सर्गेसम का की लाइफ साइकिल को दर्शाया गया है इसमें। ट्रेडिशनली हम एल्गी को जो अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, गोल्डन एल्गी, उन एल्गी में हमने जो उनको बांटा है या जो टैक्सोनॉमिस्ट ने इनको क्लासिफाई किया है, तो उसके लिए जो हमारे पास बेसिस है वो इन ये सारे हैं, जैसे उनका कलर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, स्टोरेज मटेरियल, फ्लैटला, सेल वॉल, थैलस एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एल्गी के ऊपर, शैवाल के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई वो फ्रिश के द्वारा लिखी गई, F.E. फ्रिश साहब ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी।
ये दो वॉल्यूम में उपलब्ध है, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी वॉल्यूम 1 एंड द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी वॉल्यूम 2, जिसमें उन्होंने पिगमेंटेशन, एसिमिलेटरी प्रोडक्ट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ फ्लैजेला एंड थैलस स्ट्रक्चर, इनके आधार पर पूरे एल्गी को इन्होंने 11 क्लासेस में डिवाइड किया. क्लास 1 इज क्लोरोफाइसी, दे हैव 9 ऑर्डर्स इन द क्लोरोफाइसी. क्लास 2 ज़ेंथोफाइसी, इट हैज 4 ऑर्डर्स. क्लास 3 सियानो क्राइसोफाइसी, इट हैज 3 ऑर्डर्स. क्लास 4 बेसिलेरियोफाइसी, इट हैज 2 ऑर्डर्स. क्लास 5 क्रिप्टोफाइसी, इट हैज 2 ऑर्डर्स, क्रिप्टोमोनेडेस एंड क्रिप्टोकॉकेल्स. क्लास 6 डायनोफाइसी, इट हैज 6 ऑर्डर्स. क्लास 7 क्लोरोमोनेडिनी, इट हैज 1 ऑर्डर. क्लास 8 यूग्लिनोफाइसी, हैविंग 3 फैमिलीज. एंड क्लास 9 फियोफाइसी, हैज 9 ऑर्डर्स. Again, class 10, Rhodophyce, it has 7 orders. And class 11, in the last, Myxophyce, it has 5 orders. These are the members of the cyanobacteria or Myxophyce. They are blue-green bacteria, which were once called blue-green algae. These are prokaryotes, having the prokaryotic cell structure. The cyanobacteria are probably the first photosynthetic organisms that have been around for about 3.5 billion years ago. They exist as unicells, colonies or filaments. They have a bacterial type cell wall, no nucleus and no flagella. In addition to bacterial chlorophyll, they have the pigment phycocyanin and phycoerythrin. ये दोनों pigments इनमें बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं और जिनकी वजह से इनका color bluish green है. Blue green are responsible for nitrogen fixation. और ये जो members of cyanobacteria हैं या जो blue greens हैं, ये responsible हैं nitrogen fixation के लिए. जो वातावरण में नाइट्रोजन हमारे पाई जाती है वो गैस के रूप में पाई जाती है, जिसका हमारे वातावरण में या हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, ना ही हमारे पौधे उस नाइट्रोजन गैस को ले सकते हैं. लेकिन ये नील हरित शैवाल, कुछ बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये कुछ मेंबर्स हैं साइनोबैक्टीरिया के, ऑसिलेटोरियल ऑर्डर के, नॉस्टोकेल्स ऑर्डर के कुछ मेंबर्स हैं, क्लोरोकॉकेल्स, स्कीमोसाइफनेल्स, स्टाइगोनीमेटेल्स. नाउ द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइट्स, दीज आर क्लोजेस्ट टू द लैंड प्लांट एंड आर कंसीडर्ड देयर एंसेस्टर्स. ये कहा जाता है कि ये जो हमारे जो पौधे हैं, जो प्लांटेशंस हैं, जो प्लांट्स हैं, इनके एंसेस्टर्स, इनके पूर्वज क्लोरोफाइट्स हुआ करते थे, क्योंकि उनमें बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए एंड बी, बीटा कैरोटीन्स, सेल वॉल सेलुलोज रिच रिजर्व मटेरियल एज स्टार्च. दिस इज अ वेरी डाइवर्स ग्रुप शोइंग ऑलमोस्ट द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ morphological possibilities from unicells to macroalgae. These are the members of brown algae. They are called as Phaeophyce, or mostly they are marine. They are found in the sea, and they contain chlorophylls A and C and the brown carotenoid picoxanthin pigments. Their reserve food material is alpha beta 1 3 glucane called laminarin, and is stored outside the
plastids. These are the members of basil, golden brown algae. They share many of their features with brown algae. इनका color जो है वो golden brown algae है, brown color है, और ये अपने कुछ characters को share करते हैं Phaeophysi के members से. Now the biotechnological applications of algae. They have so many biotechnological applications. They are enzyme inhibitors. They are hypocholesterolemic. They are antioxidants, immunostimulants, immunosuppressant, anti-cancerous, antibiotics, producers, antiviral, anti-HIV and anti-inflammatory. These are the various applications which we extract from the various algae. And these algae are also responsible for producing hydrogen and fixing nitrogen. These are called as the green gold in the biotech industry. As in the picture we are seeing that these the algae are being cultivated on the large scale in the various in the various fields, in the various ponds, and they are cultivated in huge amount and being exploited for various purposes. इन्हें हम मास स्केल पे ग्रो कराते हैं और इन्हें अलग अलग उपयोग के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं, और ये ऐसा कहा जा रहा है कि एल्गी, इन्हें ग्रीन गोल्ड का नाम दिया गया है बायोटेक इंडस्ट्री में. जैसा कि हम अभी इन ऊपर आती जाती पिक्चरों में देख रहे हैं कि टैबलेट के रूप में भी इनको स्पाइरुलिना के टैबलेट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही यूजफुल हैं और प्रोटीनेशियस हैं. स्पाइरुलिना इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ए सिंगल सेल प्रोटीन. कुछ माइक्रोएल्गी के उपयोग हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, क्लोरेंस के रूप में, कॉमर्शियल प्रोडक्ट के रूप में, फूड न्यूट्रासिटिकल्स के रूप में, फार्मास्यूटिकल्स और अदर्स लाइक बायो रेमेडिएशन ऑफ हैवी मेटल्स, फ्यूएल गैस, पॉल्यूशन इंडिकेटर एंड फर्टिलाइजर्स के रूप में. कॉस्मेटिक्स में इनका उपयोग है, थिकनर और स्वीट्स के रूप में इनका यूज किया जा रहा है, एडसॉर्बेंट के रूप में. इस तरीके से हमारे एल्गी बहुत ही रूप में इस्तेमाल में आ रहे हैं. द ट्रॉपिकल मैक्रो एंड मिनी एल्गल प्रोडक्शन एंड द कल्टिवेशन इज द की. कल्टिवेशन इज एसेंशियल बिफोर मोस्ट ट्रॉपिकल सी प्लांट्स कैन एंटर कॉमर्स. तो हमें पहले इनका कल्टीवेशन करना होगा, इन्हें लार्ज स्केल पे ग्रो कराना होगा. कल्टीवेशन टेक्नोलॉजीज रेंजेस फ्रॉम लो टेक सीवीड फार्मिंग टू हाई टेक सेल कल्चर. जैसा कि हमें बाएं वाले पिक्चर में हमें ये दर्शाया जा रहा है कि समुद्र के किनारे कैसे एक जो एल्गल ग्रोअर फैमिली है, ये कैसे उन शैवालों को ग्रो करा रही है और अपने जगह पे ही, उनके किनारों पे ही, समुद्र के किनारों पे ही उनको लार्ज स्केल पे ग्रो करा के उन्हें कलेक्ट कर रही है, और दाहिनी तरफ हाईटेक सेल कल्चर के रूप में इनका इस्तेमाल, सेल कल्चर किया जा रहा है और इनको आगे स्पेशलाइज्ड रूप में इनका इस्तेमाल किया जा रहा है. ऊपर दिखाई देने वाले पिक्चर में हमें ये दिखाया जा रहा है कि अलग अलग तरह के एल्गी, अलग, ये पूरा का पूरा बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं जो कई मीटर्स के रेंज में बनाए गए हैं, और इन पॉन्ड्स के अंदर अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी आर बीइंग ग्रोन इन द डिफरेंट पॉन्ड्स. दीज आर द रेड एल्गी, दीज आर द ग्रीन एल्गी, द ब्लूइश ग्रीन एल्गी, एंड लाइक दिस, दीज आर द ग्रीन एल्गी. दे आर बीइंग ग्रोन इन द आर्टिफिशियल पॉन्ड्स प्रिपेयर्ड for their culture and for exploitation. These are various pictures showing the pure cultures in the vials, and these are the tanks in which algae are being grown. These are the spirulina.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पायरेना इसे सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं और ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है और इस पूरे सेल में इसके जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है इसलिए इसका नाम स्पाइरल लेना पड़ा और इस पूरे सेल में प्रोटीन भरी हुई है और ये ऐसी मान्यता है कि सोयाबीन में जितनी प्रोटीन पाई जाती है उससे भी अधिक मात्रा में प्रोटीन इस स्पाइरलिना में पाई जाती है और डाबर कंपनी से लेके और भी अन्य कंपनियां हैं जिन्होंने इसके टैबलेट्स बना के मार्केट्स में रखे दिए हुए हैं और उन टैबलेट्स में प्रोटीन के रूप में उन टैबलेट्स को का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ फूड स्पाइरोलाइना ये मलेशिया के फॉर्म की एक फोटोग्राफ ली हुई है जिसमें एल्गी को स्पाइरोलाइना को ग्रो कराया जा रहा है और यूज किया जा रहा है। दीज आर द वेरियस स्पाइरोलाइना टैबलेट्स नेम्ड रेकोलाइना। दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एल्गी। स्पाइरोलाइना इज बींग यूज नाउ द हाइड्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम द एल्गी। आज के समय में जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में हम इतने चिंतित हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में चिंतित हैं जो कि हमारी संपदा खत्म होती जा रही हैं और जिन्हें हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते, जैसे जो हाइड्रोकार्बन हैं, जो फ्यूल है, जो डीजल है, जो हम पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं और समुद्र के अंदर से निकालते हैं और उसको हम यूज करने के बाद उसे खत्म कर देते हैं, उसे हम फिर से जनरेट नहीं कर पाते और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों में हमें वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो फ्यूल हमारी है और ये फ्यूल खत्म होने के बाद हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी कुछ समय पहले जेट्रोफा प्लांट से बायोडीजल के प्रोडक्शन के विषय में बहुत सारे रिसर्चेज हुए और उस पर शोध जारी है, उस पर कार्य किया जा रहा है, परंतु जो हमारे शैवाल हैं, शैवाल भी उतने ही उपयोगी हैं इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के उन ऊर्जा के स्रोतों के उत्पत्ति के लिए, हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए और उनसे भी प्रोसेसिंग करके बायोफ्यूल को बनाया जा सकता है। और हमारे ये जो सामने एल्गी दिखाई दे रहे हैं जिनमें स्पाइरोलाइना है, एनाबीना है, नोस्टॉक है और सिनेडेस्मस है, ये सारे एल्गी रेस्पॉन्सिबल हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। एल्गी इज अ सॉर्ट ऑफ एल्गल फोटो बायोटेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एक्वेटिक एंड मेराइन नॉन वैस्कुलर प्लांट्स मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूस, दे आर द मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर इन द ओशियन। बेसिस ऑफ एक्वेटिक लैंड मेराइन फूड चेन एंड हैबिटेट प्रोडक्ट्स यूजफुल टू मैनकाइंड पोटेंशियल जस्ट बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड। प्रोडक्शन बाय कंट्री एंड द मैक्रो एंड मिनी एल्गल एल्गी वैल्यू, ये हम सामने आपको दिखा रहे हैं। स्पाइरोलाइना का ये फार्म है पूरा, ये ड्यूनेलियेला स्पाइरोलाइना एंड क्लोरेला, ये एडिबल एल्गी भी हैं, इन्हें भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सम बायो एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम एल्गी, द एल्गी आर नेचुरली सिंथेसाइज्ड एंटीवायरल एंटीथ्रोम्बिक एंड अदर कंपाउंड्स एल्गल ड्रग्स फ्रॉम द सी प्रोग्राम स्टिल इन देयर इनफेंसी, सम प्रोडक्ट्स कमिंग टू द मार्केट ऑलरेडी। द एल्गी एज होस्ट टू जेनेटिक मटीरियल, एक्साइटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन द वे, एनर्जी एंड एंटीबॉडीज फ्रॉम क्लेमाइडोमोनास, एंटीबॉडीज वैक्सीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फ्रॉम जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैक्रो एल्गी, बायोअब्सॉर्प्शन एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, इसके लिए भी एल्गी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे कुछ शैवाल हमारे जो वेस्ट जो हमारे घरों के वेस्ट हैं उनमें ग्रो करके उन्हें ऑक्सीजनेट कर देते हैं, उन्हें क्लीन करने का काम करते हैं।
एनिमल न्यूट्रिशन, एल्गल मील्स, पाउडर पाउडर्स एंड एक्सट्रैक्ट्स यूज्ड एज न्यूट्रासिटिकल्स, फीड कंपोनेंट्स, माइक्रो एल्गी आर इंपॉर्टेंट, एक्वाकल्चर, हैचरी फीड्स, मैक्रो एल्गी आर फीड फॉर हर्बीवोर फिशेज, एल्गल बायोपॉलीमर्स यूज एज पेट फूड एंड फार्म फीड स्टेबिलाईजर्स द प्लांट न्यूट्रीशन, सोर्सेज ऑफ प्लांट बायो स्टिमुलेंट्स, सोर्स ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स यूज एज मुल्च और स्प्रे फॉर सॉइल कंडीशनिंग. नाउ दे आर ऑल्सो यूज एज बायोपॉलीमर्स, द सी वेजिटेबल फूड इनग्रेडियंट्स एंड न्यूट्रासिटिकल्स. दीज आर द वेरियस यूजेज ऑफ सी वीड्स, द एल्गी विच आर फाउंड इन द ओशियंस, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एड्स बायोपॉलीमर्स एंड सी प्लांट्स फ्लेवर, फ्लोर यूज इन ब्रीवरी फाइनिंग, बायोपॉलीमर्स यूज इन ऑयल फील्ड कंप्लीशन फ्लूइड्स, वेलबींग विद एल्गी, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, थैलेसोथेरेपी, एरोमाथेरेपी, लोशन एंड पोशंस ऑफ फॉर स्पा ट्रीटमेंट, कॉस्मेसिटिकल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्शन. अदर एनर्जी, एल्गी कैन बी यूज एज फीड स्टॉक फॉर एनर्जी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग बायोरिएक्टर्स. ग्रीन एल्गी सच एज क्लेमाइडोमोनास कैन बी स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोजन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. And these hydrogens are used as biofuel. They are also capable of producing biodiesel. They are used for biogas production, biodiesel, bioalcohol, and used as fodder and fertilizers. Here are the various applications of algae in our agricultural based country, in the algal fields, in the paddy fields, in which the water logging conditions prevail. जहाँ पे हमारे कृषि प्रधान देश में, जहाँ हमारे यहाँ खेती को महत्वपूर्ण एक पोजिशन दी जाती है और खेती का एक महत्वपूर्ण योगदान है हमारे देश की उन्नति में, तो हमारे जो एक स्टेपल फूड है जिसे हम धान कहते हैं, जो पैडी कहा जाता है, और उस फील्ड में हम पानी को लगाकर पानी भरा रहता है और उसमें हम धान की रोपाई करते हैं, और इस भरे हुए पानी के खेत में यदि हम अपने शैवालों को, नील हरित शैवालों को, और नाइट्रोजन फिक्स स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने वाले शैवालों को हम इनके अंदर इन भरे हुए पानी में रखते हैं या डालते हैं, तो वे यहाँ पे ग्रो करते हैं, अपने वंश की वृद्धि करते हैं, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर वातावरण नाइट्रोजन लेकर उनको फिक्स करते हैं और हमारे इस पैडी फील्ड्स को न्यूट्रिएंट रिच करते हैं, जिससे हमारी पैदावार अच्छी होती है. और एल्गी अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, एल्गी एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि एल्गी रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. तो एक लार्ज अमाउंट में ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. रिसर्च इनटू द यूज ऑफ एल्गी कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज चेंजिंग द निगेटिव रेपुटेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. आर द वेरियस ड्रग्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एल्गी. अगर प्रोड्यूसर्स जिलेडियम स्पीशीज, एंटी बैक्टीरियल क्लैडोफोरा, एंटी फंगल ब्रायोप्सिस, उसी तरह से एंटी वायरल ब्रायोप्सिस, यहां तक कि ल्यूकेमिया और मेलानोमा सेल्स के लिए भी हमारे जो कुछ शैवाल हैं, जैसे सिरेमियम स्पीशीज है, ये अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. ट्रांसजेनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी में भी इन शैवालों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसे इस्तेमाल किया जा रहा है. इन एल्गी इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी. सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स
promoters, reporter genes, transformation techniques, and other genetic tools and methods are already available for various species, and currently near about 25 species are accessible to genetic transformation. Some blue-green algae also kill HIV in cultures. Although the researches are on the way, that's all.